ये मंगलाचरण बोलते हैं नम रखने के लिए साधक आचार्य का यहाँ हमारी क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर चर्चा चल रही है और उसमें हमने देखा कि क्रमबद्ध पर्याय माने एक के बाद एक होने वाले निश्चित क्रम में जो पर्याय होती है उसे कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। कहीं फेरफार करने की गुंजाइश नहीं है। हमने कल उदाहरण से भी देखे, हमने चार अनुयोग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि चालू की है जो दादा की बुक में यहाँ लिखा है। पेज नंबर आप लोग निकालना, पेज नंबर 14। सारे आचार्यों के रेफरेंसेस हो गए। इसके बाद पेज नंबर 14 से आओ। हमने सबसे पहले चालू किया था प्रथमान योग में तीर्थंकर के पीछे जो भामंडल, नंबर देते जाना पॉइंट, तीर्थंकर भगवान के पीछे जो भामंडल होता है उसके उसमें जो जीव देखता है उसे क्या दिखता है, सात भव माने बाकी के माने भविष्य के चार भव, तीन भव दिखते हैं ना, तो बनते हैं तो मैक्सिमम दो ही, माने एक अभी जो चालू है और भविष्य का एक नया बन देगा बराबर। पर भविष्य के तो कितने दिखते हैं, तीन, माने एक और दिखता है जो अभी बंधा नहीं है, दो और दिखते हैं ना जो अभी बंधे नहीं है, है ना, बहुत बराबर। ठीक है, अभी वर्तमान में जो एक बांधा है और अभी अभी चल रहा है और भविष्य का एक बांधे, तो दो और नहीं बंधे है ना, बराबर ना, तो वो भी उनको दिखते हैं। तो ये निश्चित हो रहा है, ये नक्की हो रहा है कि वो क्या है, बहु भी निश्चित है। तो बहु निश्चित है तो परिणाम भी निश्चित है, अभी बांधा भी नहीं है तो भी बहु निश्चित है, और ऐसा केवल भगवान के जानने जानने में आ रहा है। कल बताया था ना कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए दो मेन आधार, माने सर्व क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता के बिना सिद्ध नहीं कर पाएंगे अपन, है ना, क्या नाम शिवानी, हाँ, क्रमबद्ध पर्याय के बिना बस क्रमबद्ध पर्याय की सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और एक चीज बताई थी, वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्वरूप के आधार से भी क्रमबद्ध पर्याय की क्या होती है, सिद्धि होती है। दो चीज बताई, माने क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करते हैं तो उससे हमको सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। किसकी महिमा आती है, सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है कि देखो सर्वज्ञता की महिमा, तो देखो कि एक समय में क्या जान लेते हैं, हाँ, तीन लोग तीन काल। हम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं तीन लोग और तीन काल, तो तीन लोग ही जानते हैं, अलोक नहीं जानते, हाँ वही तो, माने तीन लोग, लोक और अलोक दोनों, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने अभी मंगलाचरण किया ना, नमः श्री वर्धमानाय कालोकानाम त्रिलोकानाम, माने क्या लोक और अलोक दोनों को जानते हैं, इधर इधर दोनों को जानते हैं, है ना, इसलिए लोक को भी जानते हैं और अलोक को भी जानते हैं, लोक को भी जानते हैं और अलोक को भी जानते हैं, इसलिए क्या कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे अपन देखेंगे महामंडल का होगा। इसके बाद हमने कल नेमिनाथ भगवान द्वारिका का उदाहरण देखा था, दूसरा उदाहरण के 12 वर्ष बाद क्या होने वाला है, द्वारिका जलने वाली है, बराबर है, वो तो 12 वर्ष बाद और 12 वर्ष पहले ही नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आ गया था, बराबर के नहीं, है ना, तो क्या हुआ द्वारिका जली भी, बराबर ना, जो आया था ज्ञान में वो हुआ भी, मैंने क्रमबद्ध की सिद्धि हो गई कि नहीं, है ना, कोई रोक नहीं पाया, जैसा भगवान ने देखा था वैसा ही हुआ, ये क्रमबद्धता की सिद्धि हो रही है, बराबर। दूसरा उदाहरण अब यहाँ दादा ने तीसरा उदाहरण दिया है, तीसरा उदाहरण द्वारिका नगरी का हो गया ना, हाँ एक हुआ, और ये महामंडल का भी आप लोग लिख लेना चारों अनुयोग के साथ में, बराबर, ये आप लिख लेना, पहला ये दिया ना यहाँ पे पेज नंबर 14 पे,
अब प्रथमान योग का तो ये पहला हुआ नेमिनाथ भगवान का। अब दूसरा दूसरा होगा किसका उदाहरण आएगा, मारीचि का। मारीचि जो महावीर भगवान का जीव था, किसके समोचरण में थे वो, आदिनाथ भगवान के समोचरण में, और वहां पे आदिनाथ भगवान की वाणी में क्या आया, ये जो मारीचि का जीव है ना वो 24 का चित्रण कर बनेगा। कुछ तो पूछा होगा ना, प्रश्न होगा कि नहीं, ये मारीचि का जो जीव है ना, हाँ या कोई चित्रंकर विद्यमान है कि नहीं, है ना, मारीचि का कोई चित्रंकर है कि नहीं समोचरण में, और वहां पे जवाब आया कि ये समोचरण में भारी का 24 का चित्रंकर यहाँ पे उपस्थित है। और तब क्या हुआ, जब मारीचि ने सुना तो क्या हो गया, आप पहले और मैं 24 का ख्याल आ रहा ना, देखो तो माने ऐसा उनको 24 का होना था ना, इसलिए वो विरोध के परिणाम भी फिक्स थे, विरोध के परिणाम भी फिक्स थे, समझ में आ रहा कि नहीं। क्या किया, वहीं से निकल गए, समोचरण से बाहर निकल गए, है ना, और वहां जो भी समोचरण में आ रहे थे ना उनको क्या कह रहे थे कि मत जाओ, अंदर मत जाओ, वो नहीं तत्व कौन सुनाएगा, मैं सुनाऊंगा। मेरा एक प्रश्न है कि उनको विरोध क्यों हुआ, उनको तो अच्छा था ना कि आप तो 24 के तीर्थंकर होने वाले हो, अगर आपको कोई, अरे आपको कोई बोले कि अरे आपको तीर्थंकर तो क्या, अगर कोई बोल दे कि आप भव्य हो, भव्य हो, इतना बोल दे कोई अपने को बोले भाई तुम तो भव्य हो, इतना बोले तो भी तीर्थंकर तो बात की बात, इतना बोल दे तो भी गदगद हो जाए ना कि वह भव्य 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 हूं ना मैं, बस समझ आ रहा कि नहीं। इसको इनको तो क्या बताया, इनको तो क्या बताया, 24 का तीर्थंकर बताया, तो भी विरोध आया, क्यों विरोध किया, एग्जैक्टली कहां निकालेंगे बोलो, 24 का तीर्थंकर माने कितने सागर निकल जाएंगे, कितनी लंबी आयु एक 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 तीर्थंकर की और दो तीर्थंकरों के बीच में कितना बड़ा गैप, इतना काल वो जीत कहाँ निकालेगा। तो उनको पता था कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा, क्यू के ट्रक कर जाए की स्थिति कितनी है, मैक्सिमम 2000 सागर कुछ, और उनको वो नहीं बैठा था कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा, हालांकि इसलिए उनको क्या हुआ, विरोध के परिणाम हुए, पर वो भी निश्चित थे क्योंकि उनको 24 से होना था और इतना काल कहाँ निकालेगा, हालांकि नहीं वो विरोध के परिणाम हुए, पास दृश्य हुए, इतने मत चलाए क्योंकि संसार का काल कहाँ व्यतीत करेंगे, हालांकि ना इस प्रकार के परिणाम भी फिक्स थे। महावीर भगवान के जब वो महावीर भगवान को सम्यक दर्शन हुआ ना, तो सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ, शेर की पर्याय में, वो भी फिक्स था, समझ में आया कि नहीं, सम्यक दर्शन कब होगा, क्योंकि अब तीर्थंकर फिक्स था तो उससे पहले सम्यक दर्शन कब होगा वो भी फिक्स था। तीर्थंकर हुए बराबर, तो उनके माता पिता फिक्स थे कि नहीं, फिक्स थे कि नहीं, दादा ने तो लिखा है आपको, वो भी फिक्स था, सब कुछ फिक्स था, वो तो फिक्स थे, पर उस समय कौन सा सौदर में इनसे बनेगा, अभी हुए ना कल्पना यहाँ के मंदिर से हुए कि नहीं, कौन सा सौदर में इंद्र बनेगा, कौन आएगा, ख्याल आ रहा कि नहीं, कौन कौन जीव बनेंगे उस समय, कौन कौन जीव होगा, समझ में आ रहा कि नहीं, माने सब कुछ एक जीव का फिक्स होते ही सबका फिक्स हो जाता है, समझ में आ रहा कि नहीं, इसको कहते क्रमबद्ध पर्याय। अब देखो तीसरा उदाहरण क्या, देखो तीर्थंकर के लिए यहाँ पे दिया है, तीर्थंकर प्रकृति माने वो जीव, मारीचि का जीव तीर्थंकर प्रकृति कब बांधेगा, वो भी फिक्स था, नहीं कब बांधेगा वो भी फिक्स था। आपको पता है तीर्थंकर प्रकृति कौन से गुणस्थान में बनती है, कौन से बनना चालू होती है, चौथे से
सातवें तक लिख लेना अगर लिखा हो तो, चौथे से सातवें तक बंधना प्रारंभ होगी, चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक बंधना प्रारंभ होगा, आठवें गुणस्थान के छठे भाव तक बंधती रहेगी, आठवें गुणस्थान के छठे भाव तक बनती रहेगी और तेरहवें गुणस्थान में तीर्थंकर चतुर्थी का उदय आएगा। क्लियर? बराबर? फिर से कौन बताएगा ये? आप बताओगे? क्या नाम है? चारू। चारू तक में उसका उदय आएगा, बराबर ना? हाँ, चौथे से सातवे में कहीं पे भी बन सकती है, बराबर? एक बार बनी वो ध्रुव प्रकृति है, एक बार बनी फिर बनती रहेगी, निरंतर बनती रहेगी, बराबर ना? तीर्थंकर प्रकृति बनने के बाद बनती रहेगी, निरंतर बनती रहेगी। हाँ, ना कब तक बनती रहेगी? तो क्योंकि आखिर के आखिर गुणस्थान के छठे भाग तक बनती रहेगी। जब से बनना चालू हुआ, जब से बनना चालू हुआ तब से लेके कौन से गुणस्थान तक? आखिर गुणस्थान माने शपथ सिंह। उस प्रकार से हाँ, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती रहेगी, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती रहती है, बराबर? उसके साथ वाली जो दूसरी पुण्य प्रकृति वो तो बनती है, पर तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती ही रहेगी। उनका उदय कब आएगा? तेरहवें गुणस्थान में उसका उदय आएगा। बनती कब तक रहेगी? आठवें गुणस्थान के छठे तक, और बंधना चालू कब होगी? चौथे से सातवें में कहीं से, बराबर? एक बार बनना चालू हुई फिर वो निरंतर बनती रहेगी, और कब तक बन जाएगी? आठवें के छठे, और उदय उसका कब आएगा? तेरहवें का उदय आएगा, बराबर ना? हाँ, माने नहीं लिखा ना कि तीर्थंकर प्रकृति बनने के बाद उसी भाव से भी जा सकते हैं। हाँ, तीर्थंकर बन के उसी भाव से भी मोक्ष जा सकते हैं। मिनिमम वही भाव, वो उसी भाव, और मैक्सिमम तीन भाव। किसने बताया तीन? कैसे तीन? हाँ, माने अभी का बराबर। अगर नरक आयु पहले बंदी हो तो नरक का, मनुष्य का, और फिर मोक्ष, बराबर? नरक आयु नहीं बंदी हो तो नियम के समय गति के बाद तो स्वर्ग का बनता है, तो यहाँ का स्वर्ग का, और यहाँ आके तीर्थंकर होके मोक्ष चले जाएंगे। हो गया तीन भाव, मैक्सिमम तीन भाव में क्या से कहा जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। ओके, हाँ, निरंतर बनती है। इधर आएंगे ना तो इधर आएंगे तो मुनि जी का अंगीकार करेंगे, बराबर ना? तब तक से ही मान लेंगे, तो आपने गुणस्थान के छठे भाव तक बनती रहेगी, है ना? तो इसी भाव से तीर्थंकर जब बनना है ना, इसी भाव से, तो फिर इसी भाव से बनेंगे ना, तो इसमें उनको गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक नहीं होगा। जो पहले बांध के आता है ना, उनका गर्भ और जन्म होता है, क्योंकि तीर्थंकर भी अलग अलग प्रकार के आए ना गुणस्थान में। हाँ, दो कल्याणक वाले तीर्थंकर, तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर और पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर होते ना, मैंने किसी ने ये भाव में तीर्थंकर के मुक्त जाना है ना, तो वो क्या करेंगे? वो चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बांधे, बराबर ना? तो उनके कितने कल्याणक मनाएंगे, है ना? मुनि माने जिसका कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। किसी ने मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांध दी तो फिर वो ज्ञान और मोक्ष, बराबर ना? तो दो वाले भी हो सकते हैं, तीन वाले भी हो सकते हैं, और जिसने पहले बांधी हो तो वो उनके तो पास ही होंगे गर्भ जन्म। Thank you.
उसकी सुंदर प्रकृति का उदय है, वो पूर्ण प्रकृति का उदय है, वो शंकर प्रकृति का उदय नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा प्रश्न। माने ये सारे जो कल्याणक मनाए हैं ना अभी, गर्भ जन्म वार्ष वगैरह, वो तो उनके चित्तंकर प्रकृति का उदय नहीं है, वो तो उनके साथ चित्तंकर प्रकृति बांधने के साथ जो पुण्य बांधा था ना, पुण्य दूसरी पुण्य प्रकृति बांधी थी ना, इन सब का उदय आ रहा है। जैसे कि गर्भ गर्भ में आने के पहले 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है ना, एक समय में 3.5 करोड़ बता रहे, एक समय में, एक दिन में 14 करोड़, क्योंकि 4 बार होगी ना, तो 14 करोड़ ऐसे रत्नों की वर्षा कितने समय तक, 15 महीने तक वो रत्नों की वर्षा होगी, बराबर ना, 9 महीने और पूर्व पहले के 6 महीना। तो ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब उनकी चित्तंकर प्रकृति बांधने के साथ की जो पुण्य प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति का फल है। अभी तो चित्तंकर पहले बांधी थी ना, उन्होंने पहले ही पुण्य प्रकृति बांध ली थी, समझ आ रहा है ना, वो अब उदय में आ रही है। नहीं, ये तो विशेष कोई विशेष जीव ऐसे तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव को इस प्रकार का पुण्य बनता है, ये तीर्थंकर प्रकृति के बांधने के साथ इस प्रकार का पुण्य बनता है। क्या लगा है कि उनको नरक में कोई तीर्थंकर का जीव है, नरक में अब भी नरक में कितने जीव है, असल 7 तीर्थंकर के जीव है नरक में, है ना। तो अब कहा के वो लोग निकलेंगे, अब जे फॉर एग्जाम्पल सैनिक राजा अब निकलेंगे, बराबर ना, तो जब निकलेंगे ना वहां से, तो 6 महीने पहले ही जब निकलना है तो 6 महीने पहले ही वहां पे परपोटा बांध दिया जाए, क्यों, नरक में, हाँ क्यों, क्योंकि वहां पे दूसरे नारकी आके, माने दूसरे देव आके उनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ख्याल आ रहा है कि नहीं, देव स्वर्ग के देव आके उनकी रक्षा करेंगे वहां पे, के दूसरे नारकी के साथ, दूसरे नारकी आके उनके साथ क्या ना करे, लड़ाई ना करे। देखो यहाँ पे उनके उनके पुण्य के प्रताप से यहाँ पे तो हो रही रत्नों की वर्षा, और वहां पे वो लड़ाई लड़ते हो, ऐसा कैसा हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे मृत जाने की संबंध होता है ना, वहां पे भी 6 महीने के लिए वो एकदम शांत हो जाएंगे, वो जी है ना, एकदम शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब तो उनके निमित्त से यहाँ पे क्या हो रहा है, रत्नों की वर्षा, उनके निमित्त से रत्नों की वर्षा हो रही है, तो वहां उनके परिणाम ऐसे तीव्र कटाए के हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हाल है ना, क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा कि नहीं। आप यदि क्या हो जाएगी, 6 महीने तक सारे स्वर्ग के देव आके उनकी रक्षा करेंगे, और फिर वे वहां से निकलेंगे, और यहाँ पे जाके वो तीर्थंकर होने वाले हैं उस नगरी में, क्या वो माता के गर्भ में आएंगे, नहीं होती है ना, वो मारका ही बंद हो गई, कुछ भी नहीं होगा, मारका ही बंद हो गई, ख्याल आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार का होता है यहाँ पे, देखो आगे, हाँ जी, तो कितने दूरी है, बोलो बेबी, चलो आगे जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि तिलोई पन्नति का उदाहरण, तिलोई पन्नति 16, अभी तो वो 3 लोग की चर्चा करते हैं ना, तो वो पता चलता है कि स्वर्ग के देव, अपने को ऐसा लगता है बहुत बार ये अपन उसमें लेते हैं कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, सुख है ना, सब मानते हैं कि नहीं, कि स्वर्ग में क्या है, एक बार स्वर्ग का स्वरूप देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कितना कितना सुख है वहां पे, फिर वो स्वर्ग का स्वरूप देखेंगे ना तो कोई भी स्वर्ग जाना तैयार नहीं होगा, ख्याल है ना, ऐसा वो स्वरूप है वहां से, लगता है ऐसा सुख है पर वहाँ बहुत दुख है, सुख नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे जाते हैं, देखो तिलोई पन्नति, अब कौन सा रेफरेंस दे रहे हैं, तिलोई पन्नति अधिकार 4th रेफरेंस किससे जाना, ये 3रा उदाहरण, श्लोक नंबर 1002 माने 1002 से लेके 1016 तक में अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य जानने जाने का स्पष्ट उल्लेख है। अभी निमित्त ज्ञान क्या होता है, निमित्त ज्ञान माने लिखना ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान कोई दूसरा नाम दे दिया, कौन सा नाम, ज्योतिष ज्ञान। अष्टांग ज्ञान होता है, ऐसे 8 प्रकार से उनको ये निमित्त ज्ञान होता है, 8 प्रकार बताए हैं,
अष्टांग लगा ना अष्टांग लिखना आप लोग लिखना एक नॉलेज के लिए, एक भू निमित्त ज्ञान होता है, भू भू निमित्त ज्ञान माने कोई मुनिराज को निमित्त ज्ञान हो, किसी को निमित्त ज्ञान हो, कोई जीव को ज्योतिष ज्ञान हो, निमित्त ज्ञान हो, तो वो भूमि को देख के, वो मिट्टी को देख के, वो रेत को देख के बता सकते हैं कि इस रेत के नीचे कितना नीचे तेल है या पानी है, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया कौन सा ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान। फिर भोम निमित्त ज्ञान, भोम दूसरा होता है भोम निमित्त ज्ञान। भोग माने माने कोई जिनको निमित्त ज्ञान होता है तो वो ऐसी बादलों की गर्जना हाल है कि नहीं, धरती कम माने उनको पता चल जाता है कि थोड़े समय में यहाँ पे क्या होने वाला है, भूकंप होने वाला है, थोड़े समय में यहाँ पे क्या होने वाला है, वर्षा होने वाली है, थोड़े समय में यहाँ पे क्या होने वाला है, कहीं यहाँ पे हम लोग गुजराती में होते ना वो, हाँ वो वायु आता है ना जोर से साइक्लोन, है ना, तो वो ये सब कौन सा ज्ञान है, भोम निमित्त ज्ञान, भोम। तीसरा है स्वर निमित्त ज्ञान, स्वर स्वर। हाँ अब ये उदाहरण दिया, यहाँ पे तीसरा उदाहरण दिया है, देखो स्वर निमित्त ज्ञान के लिए पहले नाम लिख लेना, स्वर निमित्त ज्ञान, व्यंजन निमित्त ज्ञान, काल निमित्त ज्ञान, लक्षण निमित्त ज्ञान, स्वप्न निमित्त ज्ञान और नक्षत्र निमित्त ज्ञान, ऐसे अष्टांग निमित्त ज्ञान होते हैं। इन सब से क्या हो सकता है, उनको भविष्य की भविष्य का ख्याल आ जाता है, भविष्य का उनको स्वरूप समझ में आ जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, घटना का ज्ञान हो जाता है, घटना का स्वरूप ख्याल आ जाता है। अब देखो यहाँ पे बज्रबाहु स्वामी का उदाहरण दिया, अब बज्रबाहु स्वामी को इस निमित्त ज्ञान में उनको स्वर नाम का निमित्त ज्ञान हो गया, स्वर जो बज्रबाहु स्वामी थे ना, ये एक बज्रबाहु स्वामी तो आता है पांच शुद्ध केवी, उसमें जो अंतिम शुद्ध केवी हुए कौन से हुए, बज्रबाहु स्वामी, ये वो बज्रबाहु स्वामी की बात नहीं है, ये बज्रबाहु स्वामी दूसरे हुए जो उनके गुरु थे, वो बज्रबाहु स्वामी के गुरु कौन थे, वो बज्रबाहु स्वामी के गुरु तो कुनकुन आचार्य थे, ये बज्रबाहु स्वामी के गुरु थे गोवर्धन आचार्य, क्या नाम था, गोवर्धन आचार्य। अब ये इनको इनको क्या कैसे ज्ञान हो गया, निमित्त ज्ञान क्या हुआ था, घटना आती है ना पूरी के वे किसी के घर में, किसी चावक के घर में आहार लेने के लिए गए थे और वहां पे क्या देखा उन्होंने, कोई बच्चा झूले में झूल रहा था और वो बच्चा रोते हुए उन्होंने सुना, स्वर निमित्त ज्ञान, वो बच्चे की रोने की आवाज सुनी और उनको वहां पे क्या हो गया, निमित्त ज्ञान, वो स्वर के निमित्त से वो ज्ञान हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, उत्तर भारत में लिखा है ना, देखो यहाँ पे उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी, समझ में आ रहा है कि नहीं, उत्तर भारत में क्या होगा, 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, और उन्होंने ये चीज जाके उनके संग में जो जितने भी मुनिराज थे उन सब मुनिराज को बता दिया, इसलिए वो सारे मुनिराज को आज्ञा दे दी कि आप कहाँ चले जाए, हम कहाँ चले जाए, हम दक्षिण की ओर जाए, कहाँ चले गए सारे मुनिराज, दक्षिण भारत की ओर गए, इसलिए तो अपन अभी ही देखते हैं ना कि हमारे जो जितने मुनिराज हुए, जितने ताड़ पत्र वगैरह वो सब कहाँ जितने मिलते हैं, दक्षिण में जितने मिलते हैं ना, क्यों के तब से सारे मुनिराज कहाँ विहार कर लिए थे, दक्षिण में चले गए थे, ऐसा उनको ये पता चल गया था। और दूसरा उन्होंने ये यहाँ पे उदाहरण दिया है सम्राट चंद्रगुप्त, ये सम्राट चंद्रगुप्त जो थे वे भी ये बज्रबाहु स्वामी थे ना, ये बज्रबाहु स्वामी के शिष्य थे सम्राट, हाँ ये बज्रबाहु स्वामी के शिष्य थे चंद्रगुप्त स्वामी, चंद्रगुप्त आचार्य है ना, है ना, हुए ना ये आचार्य हुए बाद में, कैसे आचार्य हुए कि उन्होंने, हाँ हाँ तो उन्होंने 16 सपने देखे थे, यहाँ पे आया ना, तो उन्होंने 16 सपने देखे, तो उन सपनों का भी उल्लेख आया है कि कौन कौन से सपने देखे थे उन्होंने 16, और 16 सपने देखे और उन 16 सपनों का फल किसने बताया, अनुभूति बज्रबाहु स्वामी ने बताया, 16 सपनों का फल
बज्रपाल स्वामी ने बताया और जब उनको ये फल जाने में आया ना, ये सब बताया था उन्होंने फल में कि यहाँ पे ये काल विषम है ना, नीच काल है, परिणाम बहुत लोगों के विचित्र होंगे, ये सब फल बताया है ना। तो ये फल को सुन के उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने क्या धारण कर ली, मुनि दिशा धारण कर ली। समझ में आ रहे थे? तो ये यहाँ पे तो मेन ये बताना है, ये कौन सा चल रहा है, प्रथमा योग चल रहा है। ये प्रथमा योग में बताना है कि जो फिट था ना तो वो हुआ कि नहीं, है ना। मैंने प्रथमा योग में भी किसकी सिद्धि हो रही है, क्रमगत पर्याय की सिद्धि हो रही है, निमित्त ज्ञान, ज्योति ज्ञान, भविष्य शिक्षा। तो ऐसे ज्ञान में क्या कर लिया उन्होंने, जान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसा ही सब कुछ हुआ कि नहीं, है ना। आगे देखो, अब यहाँ पे प्रथमा योग के मेन तो चार उदाहरण दिए, मेन कितने दिए, चार। अब यहाँ पे आगे चालू होगा करणाम योग के उदाहरण। अब दूसरा लिखना आप लोग, करणाम योग। अब करणाम योग में सबसे पहला उदाहरण दिया किसका, हर 6 महीने और 8 समय में, ये करणाम योग का नियम है, हर 6 महीने और 8 समय में नियम से 608 जीव निकोट से निकलते हैं और कहा जाते हैं मोक्ष से। 6 महीने 8 समय में कहाँ से निकल सकते हैं, कौन से निगोज से, नित्य निगोज से निकलते हैं। आपको पता है कौन से जीव निकले थे और कौन से जीव उसी भाव से मोक्ष चले गए? हाँ, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, कितने पुत्र, 923 पुत्र। अभी आप हमारा एक प्रश्न हो सकता है इसमें कि ऐसे तो 6 महीने और 8 महीने में 608 निकलते हैं, तो 923 कैसे निकले, 923 हाँ, तो टाइम थोड़ी लिखा है कि यही टाइम ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया है। 6 महीने 8 महीने में तो नियम है। अब वो 923 पुत्र समझ आ रहा है कि नहीं, वो सारे निकले तो निकोट में, पर ऐसा थोड़ी बताया है कि भाई वो 6 महीने 8 महीने में निकले, वो तो माने पहले 6 महीने 8 महीने में थोड़े निकले होंगे, बाद में थोड़े निकले होंगे, समझ आ रहा है ना। ऐसे करके कितने निकले, 923 पुत्र कहा, हाँ